गौ कहा जाता है। इंद्रियां कितनी है? अगर व्यक्ति ना हो तो यह अविद्या माया उनके 14 स्थानों से शरीर में प्रवेश कर जाती है। गोकुल इंद्रियों के समूह में नंदन यशोदा नंदन बांके बिहारी कृष्ण कन्हैया लाल का आज छठी महोत्सव की उतना देवी जी इस डिपार्टमेंट का हमने अध्यक्षा उन्हीं को बनाया है और पूतना जी पूरी सक्रियता से कार्य कर रहे हैं। नंद जी को विदा करते हैं और यहाँ पर कंस ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, मंत्रिमंडल को बुलाया और मंत्रिमंडल से कहा तुम्हें पता है माया कहाँ से प्रवेश करती है? बोले 14 स्थानों से प्रवेश करती है। इसलिए ये जो माया अविद्या माया उतना है ये गोकुल माने गोकुल पहुंची। किस दिन पहुंची? चतुर्दशी के दिन गई थी कि कंस तुझे मारने वाला तो ब्रज में जन्म ले चुका है। आप लोगों को ये बात याद है? मंत्रिमंडल ने कहा सरकार महाराज याद ही नहीं है बल्कि ये तुम जाओ। कहा गोकुल नंद के घर भी 2 बालकों का जन्म हुआ है। मुतना कब पहुंची गोकुल में? 5 कर्मेंद्रियां 14 चीजें हैं। 5 ज्ञानेंद्री 5 कर्मेंद्री मन चित्त बुद्धि अहंकार ये 14 चीजें। इन 14 को जो व्यक्ति कंट्रोल कर लेता है वही जितेंद्रिय कहलाता है। हो गया पर आपको बहुत बहुत बधाई हो, भगवान ने आपके घर में 2 लल्लाओं को जन्म दिया। आपके नगर में आपके गोकुल में 2 लल्लाओं का उत्सव मन रहा। परंतु एक बात मेरी मानिए, आप ज्यादा देर यहां मत रहिए। कंस बहुत दुष्ट है। गौ गोकुल कह रही व्याख्या कर रही गौ माने इंद्रियों का गोकुल, कुल माने समूह। इंद्रियों का समूह क्या है? ये क्या है? शरीर। भगवान का जन्म कहाँ है? गोकुल में। और ये पूतना कहाँ पहुंची संगार करके? गोकुल में। कब पहुंची ये पूतना? है कौन पता है आपको? ये पूतना है माया। कौन सी माया है? अविद्या माया। विद्या माया और अविद्या माया, ये अविद्या माया। और कौन से दिन पहुंची है ये? भगवान की छठी के दिन। जिस दिन उतना गोकुल पहुंची उस दिन क्या था? भगवान का छठी महोत्सव था।